कोई अगर आपके साथ आदमी है तो उसको आने बोलो बच्चे को लेने के लिए। सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी है, जैसे आप लोगों को बताया मैंने पहले व्लॉग में कि मैं जा रहा था बिहार, तो आज ही वो टाइम है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ बिहार। और अभी 12:45 की ट्रेन है तो अभी फटाफट निकल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, नाश्ता पानी सब बैग वैग सब रेडी हो गया। चल 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 आई मेरी माँ फुल टेंशन में आ गई है। चल क्या टेंशन होगा घेस तू, चल चल क्या टेंशन वेंशन होगा घेस एंड्रॉइड वीडियो नको मिले चल दुकानला बाय। मैं इससे पहले भी गया हूँ गाँव, लेकिन कभी अकेला बिहार तरफ इतने दूर नहीं गया, इसलिए मेरी माँ मौसी डैडी सब थोड़े ज़्यादा टेंशन में। बाय सोनू, बाय शीति, हाँ का टेंशन है, रड़ती क्या चला 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 रड़ू बिड़ू नको। हाँ हाँ तो ये हो गई हमारी जर्नी स्टार्ट। तुमसा नाव का है गणेश। तो हम लोगों ने रिक्शा चेंज कर लिया है कुछ कारणों की वजह से, और अभी हम है गणेश भाई के साथ, और गणेश भाई हम लोगों को छोड़ेंगे लोकमान्य तिलक टर्मिनल। हाँ गणेश दादा बराबर। फाइनली हम लोग पहुंच गए लोकमान्य तिलक, और काफी जल्दी पहुंचे, काफी 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 जल्दी। 11:30 हो रहे हैं, नहीं बराबर टाइम पे पहुँचे, 12:45 की 12:15 की ट्रेन है तो हम लोग बराबर टाइम पे पहुँच जाएंगे। सब बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, पुलिस वालों ने अंदर आना, वरना पहले रिक्शा जो है जब मैं मेरे वाइफ और बच्चों को छोड़ने आया था तो वहाँ पर हम लोग रुके थे। क्या हीरो क्या नाम है तेरा, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है? शिवचंद, शिवचंद तिवारी। अच्छा सर जी मेरे पास जो है टिकट मेरे मोबाइल में ही है तो चलेगा ना? चलेगा ना, ठीक है ओके, ठीक है पापा चलो टेंशन मत लो आप, जाओ 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 चले। थैंक यू सर, टेंशन मत लो पापा, मैं पहुंच जाता हूँ, जैसे ट्रेन में बैठूंगा आपको फोन कर दूंगा। वो सर जी बोल रहे थे कि अंदर प्लेटफॉर्म के आना लोगों को मना है, सिर्फ वही अंदर आ सकता है जिसकी टिकट है, लेकिन एक बाप की फीलिंग आप समझ सकते हो कि वो बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता है, ये उसको टेंशन आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ सकते हो कि एक डैडी अपने बेटे को क्यों नहीं अकेले जाने दे रहा है, वो क्यों उसे ट्रेन तक छोड़ना चाहता है सारी मुश्किलों को झेल के। लेकिन फाइनली मेरे डैड ने भी बात मान ली उनकी और चले गए, और अब मैं हूँ अकेले। थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा हुआ और थोड़ा सा एक्साइटेड, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई अगर आपके साथ आदमी है तो उसको आने बोलो बच्चे को लेने के लिए। एक काम करो बच्चे को जाने तक बंद रहने दो, जब वो बुझा दूँ पर। वो छोटा बच्चा गिर गया सीढ़ी पे, और इनके भी गोद में एक बच्चा है, तो मैंने बोला बंद ही रहने दो इसको जब तक तो वो लोग ऊपर जाते हैं। तो वो है 4 नंबर, वहाँ से हम जाएंगे वहाँ नीचे। तो ये है भाई हमारी ट्रेन, ये रही, इसी में जाना है। हमारा डब्बा क्या है? कोच क्लास 3A P1। तो भाई हम चले गए थे उल्टा गलत दिशा में, लेकिन ये तो भाई है रेलवे के कर्मचारी, इन्होंने हमारी मदद कर दी और ये सही डब्बे तक पहुँचा रहे, थैंक्स टू हिम। सरकार ने इतने अच्छे नियम निकाले हैं कि ये लोग नियम का धज्जियां उड़ा दिए हैं, कचरा कर करके डब्बे में गंदगी कर रहे हैं, इससे हमारे देश में बीमारी और फैलेगी कि कम होगा। डब्बा मिल गया, और भाई जी बोल रहे थे कि सरकार ने इतनी मेहनत से सब साफ सफाई किया, सब प्रॉपर किया, लेकिन लोग ट्रेन में आके कचरा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, सब जगह पे बीमारियां फैला रहे हैं, और बाद में गवर्नमेंट पर दोष डालते कि गवर्नमेंट साफ सफाई नहीं करती। बराबर ना भाई? हाँ पापा बैठ गया ट्रेन में, मिल गया जगह, मिल गया। तो वो अपने को सीट एकदम मस्त एकदम कड़क मिल गई, ऊपर वाली सामान वगैरह रखा हुआ, यही यहीं पर है सीट एकदम पास में। क्या नाम है आपका बताएं? प्रशांत। प्रशांत किधर है तू दोस्त? मैं जोगेश्वरी हूँ। ठीक है चलो दोस्त, घनसोली नवी मुंबई तरफ चलेगा। चलो देखो शैगी रैगी व्लॉग्स। हाँ चलो बाकी कुछ भी बोलो भाई, ट्रेन को रखा एकदम टकाटक इन लोगों ने, एकदम साफ सफाई है चारों तरफ, कहीं पर कुछ भी गंदगी कुछ भी नहीं दिखाई जा रही, एकदम मस्त है, एकदम कड़क है। तो भाई ये है अपना छोटा सा आशियाना, कल रात को 10 से 1 बजे के बीच में हो गया हम हमारे मंजिल पे तो नहीं लेकिन मंजिल के करीब, मुजफ्फरपुर।
मैं अभी तक 3 बार गया हूँ बिहार में, एक तो जब बहुत छोटा था तब तो कुछ याद नहीं, एक मेरे शादी के टाइम 2016 में, और एक मेरे शादी के ठीक एक दो महीने बाद मेरे वाइफ के मौसी के लड़की की शादी थी तभी। तो ये 2 बार ट्रेन इतनी कचाकच भरी हुई थी, लेकिन फिलहाल इतनी खाली है बाबा बाबा, स्टेशन से लेकर हर एक चीज़ पूरी की पूरी खाली है। ट्रेन में भी गर्दी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमेशा होती है, खाली है और एकदम मस्त है। मोबाइल से लेके हेडफोन, बैग, थैली, हाथ, ये कैमरा, सब चीज़ों को कर दिया हम लोगों ने सैनिटाइज। अब जाके ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम मस्त और एकदम टकाटक तरीके से पहुंच जाऊंगा बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कुछ परेशानी के। बस ऊपर वाले से यही दुआ कि मैं बराबर पहुंच जाऊँ। बाप रे, इतनी खतरनाक वाली ठंडी लग रही है ना, क्योंकि ये 3 टायर एसी है और ये सारी एसी इधर ही लगी हुई है और सारी हवा पूरी की पूरी मेरे ही ऊपर आ रही है। थैंक गॉड कि मैं लेके आया हूँ प्रोटेक्शन, यानी ये वाला प्रोटेक्शन है भाई, ये मेरी हुडी मस्त पहनूंगा और फुल धमाल मचाऊंगा। मैंने तो पूरा घर बना लिया यहाँ पर। मेरा ये जो टी शर्ट था थोड़ा गीला हल्का सा, तो इसको सुखाने के लिए यहाँ रख दिया, और मेरी ये शॉर्ट्स वो भी थोड़ी सी गीली है, स्पेशली कमर वाला हिस्सा, तो इसको भी सुखाने के लिए यहाँ रखा है। अभी जाएंगे वॉशरूम अच्छे से, थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी तो आ रही है ज़ोर से, वो करेंगे और ये हुडी पहनेंगे और फिर मचाएंगे। तो खाने में भाई हमारे पास आलू की सब्जी और करेले की सब्जी और ढेर सारी पूरी, कम से कम 22 से 25 पूरियाँ हैं, तो धीरे 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 करके सब ख़त्म करेंगे। कुछ बिस्किट भी है और बस। बज गए शाम के 7:05 और अभी हम लोग पहुंच गए भुसावल स्टेशन, और यहाँ से हमारी मंजिल मुजफ्फरपुर बहुत दूर है। एक्चुअली हमारी मंजिल तो उससे भी आगे है, लेकिन जिस स्टेशन पर हमें उतरना है वो मुजफ्फरपुर। तो यही इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। खाने के लिए भी पूछ रहे ट्रेन में, स्पेशली डिनर, सिर्फ डिनर के लिए पूछ रहे, बाकी दिन में आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। तो डिनर में हमें बोला गया वेज बिरयानी या चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी में अंडा बिरयानी बट ऑब्वियस। तो बस बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और बस बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, लाइफ में चाहे जो भी हो जाए दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, और आज चैनल से बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद ब्लॉग्स धड़ाधड़ आने वाले और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि कंटेंट बहुत मज़ेदार आने वाला है। तो बस बाय बाय, टेक केयर।